पिताजी के ध्यान के बाद सूरज और उसकी माँ एक साथ रहते थे, जैसे तैसे करके अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। अचानक एक दिन सूरज को अपने ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा। आंखें भी खुली नहीं, क्यों सवेरा हो गया। कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ेगा। पर बेटा, मैं अकेले कैसे रहूंगी? अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। उसकी चिंता मत करो माँ, सब हो जाएगा। वृद्धाश्रम ले आया? हाँ माँ, यहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से होगी, यहाँ तुम्हारे जैसे कई लोग हैं। पर बेटा, मैं जल्दी ही आपको यहाँ से ले जाऊंगा। और हाँ, कुछ दिनों की तो बात है माँ। सूरज अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है और उनका आशीर्वाद लेता है। जाते हैं, बेटे का कोई संदेश नहीं आता। माँ परेशान हो जाती है और मैनेजर को फोन लगाने को कहती है। अरे अरे भाई साहब, जरा इस नंबर पे कॉल लगाना, ये मेरा बेटे का नंबर है। भाई साहब। हाँ, लगाता हूँ माँ जी। फोन से आवाज आती है, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। सांस है, रन है, मन पर
बेटे को याद करते करते एक दिन उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद सूरज का कोई संदेश नहीं आता। सभी लोग बोलते हैं कि अब तो उसके बेटे को बुलाओ, बिचारी याद करते करते मर गई। भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे। आप लोग को कैसे बताऊं, उसके बेटे को कैंसर था, वह उन्हें यहाँ इसी वजह से लेकर आया और उसने मुझे यह रिकॉर्डिंग दी कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ को ये सुनाते रहना जब भी उसे मेरी याद आए। मैनेजर साहब, मुझे कैंसर है, मुझे डॉक्टर ने सिर्फ 7 दिन का समय दिया है, मेरी माँ को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं उन्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, जब भी मेरी माँ को मेरी याद आए तो उन्हें आप मेरी एक वॉइस क्लिप सुना देना, मैं आपको अपनी एक वॉइस क्लिप दे रहा हूँ ताकि मेरी माँ को राहत मिले। चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है, समझे थे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोले बस खाक है। सभी लोगों के आंख में आंसू होते हैं और सब कहते हैं, भगवान काश सभी को ऐसे बेटे मिले, ऐसे बेटे मिले, ऐसे बेटे मिले, ऐसे बेटे मिले।